नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए पाचन तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आहार नाल का प्रारंभिक भाग कौन सा है? इस ब्लैक सर्कल में आपके लिए टाइमर स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको आंसर देना है, जिससे आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाएगा कम समय में आंसर देने का। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी मुख गुहा है। यानी मुख गुहा जो है वो आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जीभ के सबसे पिछले भाग से निम्न में से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सोचिए अपना आप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी जीभ का जो पिछला भाग होता है उससे कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। आगे चलते हैं हम। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 21, 20 या 22? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी अस्थायी दांतों की संख्या जो मानव में होती है वो 20 होती है। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य किस प्रकार के दांत करते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी है, रद्नक जो होते हैं वो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? अगर आपको टाइम लिमिट कम लगे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आंसर देने के लिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं बता दूँ आपको, ऑप्शन बी है इनेमल। यानी इनेमल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी यकृत है, यानी पित्त रस का जो स्त्राव होता है वो यकृत से होता है। और आई होप आपका भी आंसर यही है। एक प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है वह कौन सा प्रोटीन है? जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, हिपेरिन प्रोटीन जो है वो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं को किस पदार्थ का स्त्राव होता है? कोशिकाओं से किस पदार्थ का स्त्राव होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ग्लूकेगोन। यानी लैंगरहैंस की जो अल्फा कोशिका है उनसे ग्लूकेगोन का स्त्राव होता है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 3 जोड़ी? उत्तर आपने सोच लिया होगा, और सही जो उत्तर ऑप्शन डी है, यानी मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। और आशा करता हूँ आपका भी यही आंसर हो। आगे चलते हैं हम। ये जो वीडियो पैटर्न है इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अग्नाशयी रस का पीएच कितना होता है? तो 7.5 से लेकर 8.3 होता है अग्नाशयी रस का पीएच। लार का पीएच पूछा जाए आपसे कितना होता है? 5.6, 6.5, 7.5 या फिर 6.8? तो 6.8 लार का पीएच होता है। पित्त रस का पीएच कितना होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, 7.7 होता है पित्त रस का पीएच। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सही उत्तर यहां पर ऑप्शन ए है, अल्सर होता है। यानी पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसके द्वारा आमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन होता है, जो कि अल्सर कहलाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो
तो उत्तर है यकृत ग्रंथि, यानी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। यकृत ग्रंथि का रंग कैसा होता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है, गहरा दूसरा रंग होता है यकृत ग्रंथि का। एंजाइम क्या है, तो उत्तर आपने सोच लिया होगा और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक है। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका उत्तर ए व बी दोनों है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, यानी टाइलिन और लाइसोजाइम स्तनधारियों की लार में पाया जाता है, दोनों एंजाइम हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रास नली व आमाशय के मध्य पाए जाने वाला वह भाग जो भोजन को आमाशय से पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है, तो वो कौन सा भाग है, तो मैं आपको बता दूं वो जो भाग है वो वॉल्व स्फिंक्टर है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। प्रोटीन व पेप्टोन को एमिनो अम्लों में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इरेप्सिन है, यानी प्रोटीन व पेप्टोन को एमिनो अम्लों में जो बदलता है वो इरेप्सिन एंजाइम है। दांतों का निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है ओसिन है, यानी दांतों का निर्माण जो होता है वो ओसिन नामक प्रोटीन से होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन को क्या कहते हैं, काइल, काइम, भोजन या फिर जटर, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, काइल होता है, यानी छोटी आंत में भोजन को काइल कहा जाता है। जटर रस का पीएच कितना होता है, अगर आपको टाइम कम लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो 1.2 से 2.5 होता है जटर रस का पीएच। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है 10 सेकंड के टाइमर के साथ, आंसर सोचिए। चलिए टाइम ओवर। तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्रंथि है, आशा करता हूँ आपका भी आंसर यही हो। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, बड़ी आंत, मुखगुहा, आमाशय या फिर छोटी आंत, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है, छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्त्रावित होता है, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा, रेनिन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो सोचकर बताइए आप। तो इसका उत्तर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ग्लाइकोजिनेलाइसिस जो होता है वो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन कहलाता है। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा होता है, निम्न में से, चार ऑप्शन आपके सामने हैं,
तो इसका आंसर ग्रसनी होगा, यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो ग्रसनी भाग होता है वो दोनों में कॉमन होता है। आगे बढ़ते हैं हम, दांतों का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा, डेंटाइन, यानी दांतों का जो सर्वाधिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है उसका कमेंट आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।